अस्सलाम वालेकुम। अभी अभी मुझे एक मुबशिर का फोन आया था कि बकरी जो है वो बचा। अस्सलाम वालेकुम। अभी अभी मुझे एक मुबशिर का फोन आया था कि बकरी जो है वो बच्चा देने लगी है, तो उसने आई बिलीव बच्चा दे दिया। अब्दुलरऊफ ने मेहनत की है माशाल्लाह। अभी मैं आपको दिखाता हूँ और इसके लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह इसको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता करे। क्या दिया यार अब्दुलरऊफ इसने? लड़का है तो मिठाई नहीं खिलाओगे अब इनको? लड़का दी है, नीचे जरा ब्लड है तो वो मैं दिखा नहीं रहा, नहीं तो यूट्यूब जो है वो स्ट्राइक दे देगी। वही है जिसको तुमने टीका लगाया था? यार अब्दुलरऊफ तो इसको टीका क्यों लगाया था अगर इसने तब ये बच्चा नहीं था देना? तो हमने कहा है ये इसे टीका लगा देना, अंदर हीट होगी तो जल्दी मतलब सू पड़ेगी। यार ये वैसे कोई साइकी नहीं है, टाइम आ गया बस, टाइम हो गया। माशाल्लाह। तो माँ पे गया कि बाप पे गया? माँ पे गया। नहीं जी, बकरी माशाल्लाह जो है वो तो हो गई है, इसको कहते हैं सू पई है। तो ये देखें बकरी, अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक है, अपने पैरों पे खड़ी हुई है। अब इस बच्चे को जो है वो कम से कम थोड़ा सा टाइम लगेगा, कोई 2-4 घंटे खड़े होने में, थोड़ा से ज़्यादा भी ले सकता है और कम भी ले सकता है। तो इंशाल्लाह अज़्ज़ल अभी बिल्कुल देखें गीला गीला है, अभी जो है ना इसके ऊपर ही हर चीज़ लगी हुई है। अभी बकरी इसको चाटेगी और चाट के जो है फिर इसको साफ़ करेगी और फिर 2-4 घंटों के अंदर ये खड़ा हो जाएगा। और तो लाइक सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। कोई प्यार नहीं आ रहा आप लोगों की तरफ से और ये प्यार की आप लोगों की बहुत ज़्यादा मुझे ज़रूरत है, क्योंकि मोटिवेशन की ज़रूरत चाहिए होती है एक इंसान को। और मेरा दोस्त मेरे पे हंस रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हंसने दें इसको। ये देखें चाटना शुरू किया उसने अपने बच्चे को, अब ये पूरी तरह इसको चाटेगी, चाट चाट के इसको साफ़ करेगी। वैसे हमने ऑलरेडी जो है ना इसका नाक कान, जैसी बच्चा होता है ना बाहर आता है उसके नाक को और उसके कानों से ये जो है गंदगी हटा दी जाती है। अभी ये साथ साथ खा रही है और फिर साथ साथ इसको चाटती रहेगी, अब इसका यही काम जारी रहेगा। ये बरबरा है हमारा, ये भी माशाल्लाह बड़ा हो गया हुआ है काफी, बरबरा भी रखा हुआ है। ये बकरी है और इसके साथ एक बकरा है, ये वो जो दो भाइयों में से एक भाई बेचारा इसका फोत हो गया है और ये दूसरा ये है। देखे माशाल्लाह कितना खूबसूरत है ये। अब मैं आपको अंदर के हालातों वाकया दिखाता हूँ। ये बरबरा है इसका हस्बैंड, इसका नाम है गोलू और वो जो पहले वाली है वो पोली है। ये पंजाबी नाम इसलिए रखें ताकि इनको याद रखने में आसानी हो। ये है हमारी रानो, ये रानो माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई है, हाथ भी नहीं अब आती। और ये जो है ये है मुख्तारा और ये जो है ये मुबशिर का जो टैडा है, इसका नाम आप बताइएगा इसका नाम क्या रखें ये काले वाले टैडे का। यार ये टैडे को उधर मोशन लगे हैं मुझे लग रहा है, ये पीछे से हुआ हुआ है, गंदा हुआ हुआ है। हाँ ये देखे ना मुझे, अच्छा हाँ पीछे से सिर्फ गंदा हुआ हुआ है इसका मुंह। आते ना आज धुलवाया, आज बेचारे को ऐसे ही बस जो है ना अंदर डाल दी है कुड्डे के अंदर। और ये भी सारे देख लें, इसका नाम क्या रखें, रानों के साथ साथ रहता है ये ज़्यादातर और रानों इसके साथ साथ रहती है। रानों देखें कितनी बड़ी हो गई है माशाल्लाह यार। और इसका क्या नाम रखें, इतने ज़्यादा हैं अब मुझे तो याद भी नहीं है किस किस का नाम क्या क्या रखना है यार, तो आप लोग बताइएगा। और ये बकरी भी इंशाल्लाह जो है ना वो कुछ दिनों में बचाव देने वाली है इंशाल्लाह। और ये थोड़ा सा भेड़ बकरियाँ ये भी रखी हुई हैं। तो इसी के साथ ये थी आज की अपडेट हमारी, और वो स्टिल जो है वो अपने बकरे बच्चे को चाट रही है। ये देखें जुम्मे का दिन है और बकरी सोने की खुशी में अभी तो बाइट सारी दुकानें बंद हैं,
तो मैं अब्दुल रऊफ के लिए चॉकलेटो लेके आया हूँ और अपने दोस्त मुबशिर के लिए भी। अब इनका मुंह मीठा करवाया जाए। अब्दुल रऊफ बहुत मुबारक हो आपको, आप चाचू बन गए हैं माशाल्लाह। ताकि अब अब्दुल रऊफ ये भतीजों का ख्याल बहुत ज्यादा रखिएगा प्लीज। अभी आपने इसको दूध पिलाना कि नहीं पिलाना? अभी पिलाना है बस। ठीक है, अब वीडियो के अंदर ये हम दूध वाला भी सेक्शन ऐड कर देंगे। और अब्दुल रऊफ का जितना शुक्रिया अदा किया जाए उतना कम है। इसने जो है ना वो बकरी को बड़ी मदद दी है, बड़ा प्यार की है, और जिसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है कि इतना हेल्दी बच्चा जो है वो आया हमारे पास। थैंक यू वेरी मच अब्दुल रऊफ। और अब आपको दिखाते हैं कि बकरी को दूध कैसे पिलाया जाएगा।